भव्य राम मंदिर रे रामलाला प्राण प्रतिष्ठा पूर्वर आम आपको एक्सक्लूसिव चित्र देखेबू अयोध्या जो राम मंदिर रे लागिबो गोटे बड़ घंट जहाँ ओजन पखापाखी क्या 6 क्विंटल 13 केजी आउ यार खासियत हूँ घंट जिते बाजिबो कौनसी जो जिते व्यक्ति घंट को बजे मंदिर को प्रवेश करेंगे से गोटे किलोमीटर पर्यंत आर शब्द शुणा एवं ओम ध्वनि आसो यही मान्यता रही भाव में मंदिर जो घंटी रही बना आपको एक्सक्लूसिव विजुअल देखा अयोध्या ये हूँ से ही घंटी जहाँ कि भव्य राम मंदिर लागापाई जाऊँगी देखापी मुंडिया मारियापाई वर्तमान विभिन्न राज्यर लोक मैंने अयोध्या जिते आसुचार यही जगह को ही आसुचार दर्शन करने सहित रामलाला जेहेतु बहु जगार मंदिर रही पखापाखी कहुच्छे अयोध्या 14,000 मंदिर रही ताठ भी अधिक मंदिर मान्यता ये रही कहुच्छ ये घंटी लगे ये जो कौठू आसी कौन यार खासियत रही सीधा साल कथा आवा जी मंदिर में आम सहित उपस्थित अच्छा सर आपको पहले स्वागत करती हूँ अर्गस न्यूज को। ये जो घंटी लगाया जाएगा राम मंदिर में ये कहाँ से आया है, क्या खासियत है इसमें? ये तमिलनाडु रामेश्वरम से आया है, लक्ष्मी बाई ने दान दिया है और इसके साथों साथ वो राम लक्ष्मण सीता गणेश जी हनुमान जी भी दिए हैं, ये साथों साथ दिए हैं। यह राम मंदिर पर लगेगा, ये 6 क्विंटल 13 किलो का है और ये जब बजेगा तो ओम की धुनी निकलेगी। ये कब अयोध्या में कब आई और यहाँ पे कुछ इसका कार्य कुछ किया जाता है या फिर यह सिर्फ राम मंदिर में जाएगा? नहीं, यह राम मंदिर में जाएगा। वैसा हम वहीं जाना था, वहाँ जगह नहीं था क्योंकि वहाँ मशीनें चल रही हैं, राम मंदिर बन रहा है तो जगह नहीं था, तो इसी से टेस्ट आले, ये भी टेस्ट का जगह है तो टेस्ट आले यहाँ रखा है। देन अब राम मंदिर जब बन रहा है, बन जाएगा, इसका ठीहा बन जाएगा, तब इसको जय श्री राम टांग देंगे। अभी तो 22 तारीख को प्राण प्रतिष्ठा होगा और ये होने वाले प्राण प्रतिष्ठा में राम मंदिर में आएंगे, प्रधानमंत्री मोदी जी भी आएंगे, यहाँ पे लोग भी जाने वाले हैं। लेकिन यहाँ पे जो कार्यशाला में अभी भी काम चल रहा है मंदिर के जो घंटे के अलावा क्या क्या काम अभी भी बाकी है, क्या चल रहा है अभी? ये तो आजकल वो उसका बढ़िया फिनिशिंग चल रहा है वहाँ पर और यहाँ सफैया काम चल रहा है पत्थर के, और कोई पत्थर अगर वो है तो वहाँ का भी चीनी हथौड़ी बनाए रहे हैं पीछे और चल रहा है और ये चलता रहेगा और राम मंदिर भगवान अपना जगह पर वो विराजमान हो जाएंगे। वो घंटा कब तक यहाँ से जाने वाला है? 22 तारीख को जाएगा सीधा या फिर 22 तारीख के बाद में जाएगा, इसका ठिया हुआ बनेगा। हाँ, ठिया हुआ बनेगा। अभी भी लोग यहाँ पे आ रहे हैं देखने के लिए, आपको क्या पूछ रहे हैं सर इस घंटे के बारे में? घंटे के बारे में कि राम मंदिर पर कब लगेगा और कितना वजन का है ये घंटा और किसने भेजा है, तो सब बताते हैं हम। वो जो भेजे हैं, जो महिला यहाँ पे भेजे हैं अयोध्या में, उसको उनको कुछ बुलावा गया था कि आप दीजिए या फिर वो अपने आप? किसी को दान देने को नहीं बुलाया जाता है, अपने मन से लोग दान देते हैं, जितना दान आ रहा है अपने मन से देते हैं। कितने मतलब महीने पहले से ही बोते हैं? नहीं, ये तो करीब 2 साल हो गया देने। 2 साल से पहले बो दिए हैं, अभी तक नहीं लगाया गया? नहीं, अभी तो मंदिर बन रहा है। हाँ जी, बोले थे क्या ऐसा मंदिर बनेगा या फिर नहीं बनेगा तो भी लगा? इच्छा थी उनकी, इच्छा थी उनकी, इच्छा थी दान देने में। अब अभी जो मंदिर में ये लगेगा उसको जो कार्य पद्धति है उसके लगाने में वो आरंभ हो चुका है क्या ऐसा कुछ? नहीं, अभी तो नहीं हो चुका है, ये घंटा लगाने में लगेगा, बोला ये कार्यक्रम के बाद लगेगा। इसका टिया बनाया जाएगा, गेट के ऊपर टिया बनाया जाएगा, ये 6 क्विंटल 13 किलो का है। मंदिर में जो दर्शन करने के लिए आ रहे हैं अभी रामलाला को, यहाँ पर भी दर्शन हो रहा है, कैसा लग रहा है अयोध्या का माहौल कैसा है? बहुत अच्छा अयोध्या का माहौल, बहुत अच्छा, बहुत खुशियाँ है, खुशियाँ समा नहीं सक रही है कि इतनी खुशियाँ है, और ये नहीं पूरा भारत खुशी जय मना रहा है। धन्यवाद सर, आपने आलोचना इतने समय तक की। वर्तमान जो मैंने आसुचार यही कि मंदिर दर्शन करने ता सहित तो ये घंट को भी देखुं कहीं भव्य राम मंदिर प्रतिष्ठा पर ये धीरे धीरे से ही मंदिर को जीव एवं यार शब्द यार ध्वनि गोटे किलोमीटर पर्यंत जापर एवं यार विशेषत्व हूँ यार ओजन जी रही यार शब्द जिते बाट जीव कौटिना कौटि आध्यात्मिकतार परेश आहरी सजा कर आहरी लोक मान आध्यात्मिकता आगड़ टाणी आण। अयोध्या कैमरा पर्सन सुमन साहू स्वप्नांजलि महांती अर्गस न्यूज।
जदि आपण को आम भिडी भल लगा तेब चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करने को जमा भी भूलु ना।